दोस्तों नमस्कार, स्वागत है मौर्य जी न्यूज चैनल में। दोस्तों एक बार हम फिर उपस्थित हुए आप लोगों के समक्ष कुछ जानकारियां लेकर के। उन बौद्धिस्टों के लिए अच्छी खबर है जो बौद्ध धर्म से आस्था रखते हैं, समतावादी, मानवतावादी धर्म, बौद्ध धर्म से विशेष रुचि रखते हैं, उन लोगों के लिए बहुत अच्छी खबर लेकर आए हैं दोस्तों। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप पहली बार इस चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन घंटी को दबा दें ताकि लेटेस्ट खबर सबसे पहले मिलती रहे। दोस्तों यूपी के गोंडा ज़िले के मस्कनवा रेलवे स्टेशन से 9 किलोमीटर उत्तर सिंगार घाट में मिली 35 किलो की सोने की गौतम बुद्ध की मूर्ति, और जिसकी आँखें हीरे की हैं, जो कि सरकारी मीडिया झूठ अफवाह फैला रही है और कह रही है कि ये सीता की मूर्ति है, जो कि साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि भगवान गौतम बुद्ध जी की ही मूर्ति है। आप सभी से निवेदन है कि इस मूर्ति को देखिए और अपनी राय प्रकट करिए, बताइए कि वास्तव में ये सोने की मूर्ति है तो है ही है सोने की, लेकिन ये मूर्ति सीता जी की है कि भगवान गौतम बुद्ध की है। अपनी राय कमेंट के माध्यम से बताना दोस्तों। जो लोग भगवान की मूर्ति के बारे में जानते हैं और भगवान बुद्ध से आस्था रखते हैं और बहुत सारी मूर्तियों को देखा है, जानते भी हैं, ऐसे लोग जो अपने विवेक से देख करके ये बताएं कि ये कमेंट दें, कमेंट के माध्यम से अपनी राय दें कि ये सीता जी की मूर्ति है कि भगवान गौतम बुद्ध की मूर्ति है। तो दोनों में अंतर अगर आपको दिख रहा है, समझ रहे हैं कि सीता जी की मूर्ति है तो सीता जी की लिखिए, अगर आपको लगता है कि ये मूर्ति भगवान गौतम बुद्ध की है, प्रतिमा है, तो इसे बताइए, लिखकर कमेंट करिए, बता दीजिए कि ये सीता जी की मूर्ति। इसलिए दोनों लोग, मतलब कि हिंदू धर्म वाले और बौद्ध धर्म वाले, दोनों अपनी अपनी राय दें इस वीडियो में और बताएं कि वास्तव में ये गलत कहा जा रहा है कि ये सीता जी की प्रतिमा है, ये गलत है, ये वास्तव में ये प्रतिमा भगवान बुद्ध की है। अगर है तो भगवान बुद्ध का लिख कर बताएं, अगर सीता जी की प्रतिमा है तो बताएं कि ये सीता जी की प्रतिमा है, वास्तव में भगवान बुद्ध की प्रतिमा नहीं है। तो दोस्तों आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। ये रही अब तक की जानकारी, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो ये जानकारी अधिक से अधिक लोगों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें।